गुड मॉर्निंग कृष्णा लोगों में आपका स्वागत है। हमें लिखा जो हमारे फैमिली लॉ जो हमारे दो सब्जेक्ट आएंगे उसमें से फर्स्ट है हमारा हिंदू लॉ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदू संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में बता चुकी हूँ। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या संयुक्त हिंदू परिवार एक विधिक व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है, तो उसको ये कह सकते हैं, ये कहा भी जाएगा कि संयुक्त हिंदू परिवार विधिक व्यक्ति नहीं है। और इसमें यह भी आ जाता है कि क्या एक पागल व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति भी की भी सहदायिकी हो सकती है, सहदायिक हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। और इसमें एक और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि किसी हिंदू से अतिरिक्त महिला से शादी करने पर हिंदू संयुक्त परिवार के संबंध समाप्त हो जाते हैं, परंतु वो जो व्यक्ति है वो अपनी अलग सहदायिकी बना सकता है। यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार की जो संपत्ति है उसमें किस तरीके से राइट्स खत्म हो जाते हैं वो भी बताया गया है। अगर कोई संयुक्त हिंदू परिवार का कोई सदस्य है वो अलग धर्म की किसी महिला से अगर शादी कर लेगा तो उसकी जो सहदायिकी है, उसकी जो एक सदस्यता है हिंदू परिवार में, वो खत्म हो जाएगी, परंतु वो अपना एक अपना सहदायिकी बना सकता है। अब हमारा आता है संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति। दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज हम, कर्ता और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति। अब इसमें संपत्ति क्या क्या है, क्या इसके संपत्ति के स्रोत है, वो हम आज इसमें देखेंगे। फर्स्ट है इसमें पैतृक संपत्ति, जो हमें पिता की तरफ से पूर्वजों से अपनी मिल रही है। सेकंड है सहदायकों द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति। अगर जो मिलके सभी एक जगह ही कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो संपत्ति होगी उससे जो अर्न होगा वो सब संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति कहना जाएगी। मनमत व्यवसाय से संपत्ति, अगर जो कोई व्यवसाय से कोई संपत्ति है वो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के बदले संपत्ति। यानी कि कोई संपत्ति देके, अगर कोई संपत्ति जैसे सपोज दैट संयुक्त हिंदू परिवार की जो संपत्ति थी वो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट ने उसके बदले में कुछ पैसा दे दिया है और वो स्थावर संपत्ति थी, यानी कि कोई खेत जो थे वो ऐसे एरिया में आ गए कि वो राजमार्ग में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या किया, वो संपत्ति देके उसका जो पैसा है वो दिया, तो वो भी संपत्ति है यहाँ पे। अब हमारी चल संपत्ति आई तो वो भी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति कहलाई जाएगी। थर्ड है और फिफ्थ है इसमें संपत्ति जो कि परिवार को संयुक्त रूप से दे दी गई है। अगर जो किसी को संयुक्त रूप से किसी ने कह दिया कि संपत्ति आपके परिवार की है वो भी संयुक्त परिवार की संपत्ति होगी। संयुक्त परिवार के वापस दी गई संपत्ति, अगर जो कोई संपत्ति वापस आ गई है वो भी संयुक्त परिवार की संपत्ति कहलाई जाएगी। और संयुक्त हिंदू परिवार से धन अर्जित संपत्ति अगर जो कोई है तो वो सब संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति कहलाई जाएगी। और इससे अलग अगर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति अर्जित करता है तो वो स्व अर्जित संपत्ति कहलाई जाएगी और ये उसी की श्रेणी में आएगा। अब यहां पे हम संपत्ति को दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है अप्रतिबंधता, इसको हम बांटेंगे अप्रतिबद्धता। अब अप्रतिबद्धता की संपत्ति किस तरीके की संपत्ति होगी उसके बारे में बात करेंगे। जो पिता, पितामह या पर पितामह से यानी कि तीन पीढ़ी तक जो संपत्ति हमें प्राप्त होती है वो संपत्ति हमारी अप्रतिबद्धता संपत्ति कहलाएगी। और एक आएगी इसमें सहप्रतिबद्धता। ये संपत्ति वो होगी जो हमें चाचा, ताऊ, मामा और भाइयों से जो संपत्ति प्राप्त
प्रतिबद्धता संपत्ति और अप्रतिसंबद्धता जो संपत्ति जो होगी उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट शुरू होता है कर्ता। कर्ता कौन होगा, किसको हम कर्ता कहेंगे, तो उसको इस तरीके से लेते हैं हम, जो हिंदू परिवार में जो एक बड़ा व्यक्ति होगा, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होगा उसको हम कर्ता कहेंगे। और इसकी स्थिति जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है, ये संयुक्त हिंदू परिवार की जो संयुक्त जो पूरी शक्ति होती है वो इसी में ही निहित होती है। और इसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य सहभागी से नहीं की जा सकती। कर्ता का परिवार इसकी ना तो सहभागिता होता है ना स्वामी होता है, परंतु और ना ही इसको कोई अपॉइंट करता है, ये अपने आप ही हो जाता है। जैसे हमारे हिंदू परिवार में एक परंपरा है, जब एक बड़ा बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो पगड़ी बधाई वाली एक रस्म होती है, तेरी के टाइम पे पगड़ी बंद जो हमारी ये प्रोग्राम होता है, हमारी जो ये परंपरा होती है, इस परंपरा में ये कहा जाता है जो बड़ा होगा अब उनके बाद वो कर्ता कहलाया जाएगा। तो उसको पगड़ी बांधी जाती है कि अब से घर के जो निर्णय लेने होंगे, परिवार के जो निर्णय लेंगे लिए जाएंगे किसी भी तरीके के, वो सब आप देखेंगे, परिवार का भरण पोषण आप करेंगे, परिवार से रिलेटेड जितनी भी बाहर के या घर के अंदर आंतरिक जो भी फैसले लेने होंगे अब वो व्यक्ति लेगा। और मैंने आपको बताया कि इसको कोई अपॉइंट नहीं करता है, इसको जो अपने आप ही वो व्यक्ति बन जाता है कर्ता। और संयुक्त हिंदू परिवार की सहदाई संबंधी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसको जरूरत नहीं आता कि किसी से कहे कि क्या मैं कर्ता बन सकता हूँ, जो बड़ा होगा वही कर्ता बन जाएगा। अब इसमें कर्ता में कौन होता है, मोस्टली ये कहते हैं कि कर्ता जो होगा वो मेल मेंबर ही होगा, पुरुष ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है उसमें ये कहा गया है एक फीमेल भी जो होगी वो भी कर्ता हो सकती है। पर ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, मिताक्षरा से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, मिताक्षरा में जो है वो बता रहे हैं। और इसमें जो कर्ता जो होगा वो चाचा ताऊ और बड़ा भाई जो होगा वे सब कर्ता बनते हैं। और इसमें सभी जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी सबकी सहमति होती है इसमें। और अब हम पढ़ेंगे कर्ता की शक्ति, उसकी शक्ति क्या होगी, कर्ता की शक्तियां, उसकी क्या शक्ति होगी एक अपने हिंदू परिवार के लिए और अपने सदस्यों के लिए। फर्स्ट है आय प्राप्त करने का अधिकार, थर्ड है, सेकंड है संयुक्त परिवार के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, वो अपने तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा, किसी दायित्व का अभी स्वीकृति करने का अधिकार, कोई भी अगर जो ड्यूटी है तो वो व्यक्ति करेगा, ऋण लेने में संविदा करने का अधिकार, जो उनसे ऋण ली जाती है कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो कर्ता ही करेगा, परिवार के ओर से अन्य संविदा में जो कोई भी करनी है तो वो भी कर्ता ही करेगा, परिवार की संपत्ति को आंतरित करने का अधिकार यानी कि ट्रांसफर करना है अगर किसी के हक में तो वो भी कर्ता ही करेगा, नया व्यापार करने का अधिकार, संयुक्त परिवार जो संयुक्त परिवार जो होगा उसमें नाबालिग सदस्य जो होगा उसका अविभाजित संपत्ति संरक्षण का अधिकार होगा अगर उसको भी संपत्ति मिले। अब इसमें ये कहा गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार में जो कर्ता है, कर्ता की जो संपत्ति का जो अधिकार होगा ये बहुत ही विस्तृत होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसका विस्तृत ये काफी विस्तृत होती है, वह केवल संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंध करता है वरन परिवार के सभी मामलों का प्रबंध भी करता है, उसका कोई ऐसा दायित्व नहीं है कि वह परिवार के कुछ बचत करे या विनिमय करे अन्य अधिकारों के अतिरिक्त सम्मिलित, यानी कि वो फिजूल खर्च नहीं करेगा इस तरीके से पैसे का जो जमा करेगा, और सभी जो सहदायकी है सभी जो सदस्य है उन सबको पैसा देगा, उनका भरण पोषण करेगा, उनको किसी भी तरीके की कोई जरूरत है तो वो सब कर्ता ही करेगा।
अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि कर्ता की संपत्ति को आंतरित करने की शक्तियां, क्या वो अपनी वो जो संपत्ति है उसको किस तरीके से वो ट्रांसफर करेगा उसके बारे में है। कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति केवल विशेष दो ही भागों में आंतरित यानी कि ट्रांसफर कर सकता है। जो फर्स्ट है आपातकालीन, अगर हालात ऐसे आ गए हैं तो तब वो आपातकालीन उसको कर सकता है। सेकंड है कुटुंब के लिए यानी कि परिवार के लिए, यानी कि दो तरह से ही वो जो संपत्ति होगी उसको ट्रांसफर करता है कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज उसके जो अधिकार होगा उसका जो ये शक्ति है ये बहुत ही ऐसी है कि वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसमें उसको सब जो सदस्य हैं सहदाई की जो है उन सबकी परमिशन लेनी होगी। और इसमें एक है कर्तव्य के निर्वहन के लिए हनुमान प्रसाद बना मुसद्दत बंबई के एक केस आया था, उस केस में ये बताया गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता की संपत्ति को आंतरित करने की शक्ति किसी अवयस्क की शक्ति से बिल्कुल भी यह आवश्यक नहीं कि आंतरित करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों से सहमति या अनुमोदन लिया जाए। ये एक केस था और उसमें ये बताया गया। अब यह है रानी बनाम शांति बना के एक केस आया था, इसमें परिस्थिति को विधिक आवश्यकता माना गया था। और अब है संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों को के भरण पोषण के लिए और उसकी किस तरीके से मतलब वो आंतरित कर सकता है, खर्च करेगा उस संपत्ति को, उसके बारे में बताया गया है कि वो भरण पोषण करेगा उनका। सहदाई की और पुत्री के विवाह के लिए जो जो परिवार की जो बेटी होगी उसकी शादी के लिए भी पैसा संयुक्त हिंदू परिवार की जो संपत्ति होगी उसी से जाएगा। अंतिम संस्कार या अन्य रीति रिवाज के लिए राज के राजस्व के भुगतान के लिए संयुक्त हिंदू परिवार के ऋण के भुगतान के लिए आवास के निर्माण के व्यय के लिए मुकदमे के खर्चे के लिए परिवार के किसी सदस्य को फौजदारी या जब कोई मुकदमा चल रहा है उसको बचाने के लिए पुत्रों को दत्तक लेने के लिए संयुक्त परिवार के संपत्ति को भूमिर्जन करने के लिए परिवार की आय बढ़ाने के लिए आवासीय मरम्मत के लिए श्राद्ध करने के लिए किसी सहदाई की नए व्यापार करने के लिए किसी नई संपत्ति को क्रय करने के लिए ये सब इस तरीके से जो होगा ये उसका वर्क होगा और वो उस संपत्ति को इस तरीके से यूज करेगा। लेकिन दो ऐसे स्थितियां कुछ स्थितियां ऐसी बताई है जिसमें संपत्ति को वो नहीं देगा किसी दूसरे को, स्पष्ट है का अगर जो किसी ने कोई कर्ज ले लिया है तो उसमें संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति उसके भुगतान के लिए संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं देगा। और सेकंड है किसी सहदाई की हत्या के लिए पुलिस की सहायता के लिए पुलिस को तो मतलब इस तरीके से कोई पैसा वो नहीं देगा। और इसमें है किसी सहदाई के अधिकार, जो सहदाई जो होंगे हमारे उनके बारे में है, प्रत्येक सहदाई के निम्न अधिकार होंगे संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को संयुक्त करना, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को संयुक्त अभ्यासन का अधिकार, उत्तरजीविका अधिकार, विशेष परिस्थिति में संयुक्त हिंदू परिवार संपत्ति के विक्रय करने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार, कर्ता द्वारा अवैध रूप से संपत्ति का अंतरण को चुनौती देने का अधिकार और विभाजन का अधिकार। हमने कर्ता की शक्ति पढ़ा और साथ साथ हमने सहदाई जो होंगे उनकी भी बारे में पढ़ा है। आज जो हमने दो चीज पढ़ी है, फर्स्ट पढ़ी है हिंदू संयुक्त हिंदू परिवार की जो संपत्ति होगी उसके बारे में और कर्ता के बारे में, कर्ता कौन होगा, उसका क्या क्या काम होंगे, उसके क्या दायित्व होंगे, वो संपत्ति को किस तरीके से अर्जित करेगा ये सब, और उनकी सुरक्षा कैसे करेगा, जो सहदाई है जो सदस्य है उनको किस तरीके से रखेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऋण के बारे में पढ़ेंगे और स्त्री धन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
थैंक यू।